नमस्कार दर्शकों, बरसात का मौसम है और इस मौसम में कटहल यानी जैक फ्रूट इन दिनों मुलायम और बहुत अच्छा कटहल आता है, तो लोग उसे उसकी सूखी सब्जी भी बनाकर खाते हैं और उसकी रसे की सब्जी भी बनाकर खाते हैं। कटहल के कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं, वो हम फिर कभी बताएंगे, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और लोग सोमवार को लगभग कटहल की सब्जी जरूर बनाकर खाते हैं। तो आज बनाना बताती हूँ कटहल की सब्जी। आजकल बाजार में कटहल कटे कटाए मिलते हैं, लेकिन फिर भी कटहल के ऊपर जो एक गूदा छोड़ देते हैं, आप उसे घर में लाकर काट लीजिए और अच्छी तरह से धो लीजिए। अगर आपको साबुत कटहल मिल जाता है तो कटहल को काटने की एक टेक्निक होती है, क्योंकि कटहल चिपचिपा बहुत होता है, तो आप चाकू के ऊपर और अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लीजिए, फिर कटहल को काटिए। अच्छा, कटहल क्योंकि गैस बहुत बनाता है और बादी होता है, तो कटहल को हमेशा मेथी और अजवाइन के साथ छौंकिए और उसको छौंकने में हमेशा अदरक का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। इसको पका लेने के बाद इसमें लगभग 1 बड़े चम्मच मेथी का डालेंगे। एक ही बड़े चम्मच अजवाइन, थोड़ी हरी मिर्ची, और थोड़ा सा बेसन। बेसन लगभग 2 बड़े चम्मच। आधा किलो कटहल है मेरे पास, तो मैंने बेसन लगभग 2 बड़े चम्मच लिया है। कुछ जनरल मसाले भी डालेंगे, जैसे हल्दी। बहुत आसान है, आप इसको ऐसा मत समझिए कि बहुत कठिन है इसको बनाना। अन्य सभी सब्जियों की तरह कटहल भी बनाना काफी आसान है। और 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया, कटहल गैस बहुत बनाता है, तो इसमें सभी तरह से आप इंतजाम कीजिए। देखिए, हींग भी डालिए, 1 छोटा चम्मच हींग डालिए, थोड़ी सी घिसी हुई अदरक। अदरक स्वाद भी बहुत बढ़ाती है। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। अच्छा, साथ के साथ ही इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दीजिए, लगभग 1 बड़े चम्मच। और हम इसमें डालेंगे लगभग 4 चम्मच या 1 कटोरी दही। फिर इसमें ये कटहल के टुकड़े डाल दीजिए जो हमने काट के रखे हुए हैं पहले से ही। जब कटहल पक जाता है तो इसके जो बीज इसमें दिख रहे हैं, ये जो बीज हम देख रहे हैं अभी, तो इसके छिलके मुलायम हैं, फिर ये छिलके पक जाते हैं। अभी तो ये सारे बीज मुलायम हैं, फिर ये छिलके बहुत पक जाते हैं, जो खाते समय दांतों में आते हैं, तो इनको भी निकालना बहुत जरूरी होता है। स्वाद के अनुसार नमक डालिए और फिर इस मसाले को अच्छी तरह से सब्जी के ऊपर मिला लीजिए। क्योंकि कटहल में
प्रेशर पैन में बना रही हूँ। आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। ये सूखा कटहल है और आप कहेंगे कि मैं इसे कुकर में क्यों बना रही हूँ। कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि ये जल्दी से और कम गैस खर्च करके पक जाए। तो इसमें बहुत हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए बस। और अब आप इसको सारे में मिक्स करके इस पे प्रेशर लगा दीजिए। देखिए स्वादिष्ट सूखी कटहल की सब्जी तैयार है। अब इसको हरे धनिया से गार्निश कीजिए। अच्छी तरह से गल गई है। अब आप इसे पराठे, रोटी या पूड़ी किसी भी चीज के साथ सर्व कीजिए और इसका आनंद लीजिए। तो ये हमारी कटहल की सूखी सब्जी तैयार है। आप इसे सादे पराठे या फिर लच्छा पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग इस कटहल की सब्जी को एक बार घर में ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।